हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स, दिस इज माही। तो गाइस आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। हमने इसके पहले क्लास में हमने निकाला था एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये भी टॉपिक उसी से रिलेटेड है और सिंपल सा ये भी टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 एंड क्लास 9 में है, वो फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि आने वाले समय में सद्गुरु रैंकर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। स्टार्ट करता हूं, तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि मैं गोरखपुर गया था, थोड़ा मेरा एग्जामिनेशन था। तो स्टार्ट करता हूं, मैं बात कर लेता हूं कि विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहला आपको हमने निकाला था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य हमने क्या निकाला था W बराबर पी ब्रेकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये निकाला था हमने। अब देखिए, अब हमें निकालना स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा कार्य के बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लेंगे, इसी को लिख लेंगे U बराबर पी इज इक्वल टू पी इंटू हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये आपको समझ में आया। आप ध्यान दीजिए, अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा वन इज इक्वल टू अगर हमारा 90 हो तथा हमारा क्या हो थीटा टू इज इक्वल टू अगर हमारा थीटा हो थीटा टू इज इक्वल टू अगर हमारा थीटा हो तो ये हमारा हो जाएगा यू बराबर, ये हमारा हो जाएगा पीई। और यहां पे ध्यान दीजिए, कास थीटा वन का मान कितना है 90, तो हो जाएगा कास 90 माइनस हमारा कास थीटा टू का मान क्या है थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा कास थीटा, क्या हो जाएगा कास थीटा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा यू बराबर पी और इज इक्वल टू हमारा कास 90 मान होता है जीरो, ठीक है, क्या होता है जीरो। तो जीरो में से का, अब देखो यहाँ पे हमारा कास 90 मान होता है जीरो, तो जीरो कोनो मतलब ही नहीं है क्योंकि कास थीटा में से जीरो घटाओगे तो हमारा कास थीटा ही आएगा। तो हमारा इंटू का माइनस का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ब्रेकेट में हो जाएगा माइनस का कास थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का कास थीटा। इस माइनस को इधर ले आते हैं और इसको सिंपल सा लिख लेते हैं यू बराबर माइनस का पी और ये हमारा हो गया कास थीटा, माइनस का पी ये हमारा हो गया कास थीटा। और यही हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, क्या होती है विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन की, किसकी बात कर लेते हैं हम इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिस प्रकार हमने उसमें कंडीशन की बात किया था, जिस प्रकार उसमें हमने स्थिति की बात की थी, सेम इसी प्रकार इसमें भी हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कंडीशन की बात कर लेते हैं, कंडीशन, ठीक है, जिसको बोल देते हैं स्थितियां, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्थितियां। तो कंडीशन में अगर हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारा थीटा वन इज इक्वल टू अगर हमारा क्या हो सिंपल सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्या हो थीटा वन इज इक्वल टू, आप सिंपल सा ध्यान दीजिए, ये हमारा आपको निकल गया। अगर मैं क्या करूं थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और मैं क्या करूं सिंपल सा आप ध्यान दीजिएगा, और थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री और कास और थीटा टू इज इक्वल टू अगर मैं 0 डिग्री ले लू, थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा टू इज इक्वल टू अगर मैं 0 डिग्री ले लू, तो मान रख देता हूं इसमें मान रखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर वन है। तो हमारा देखिए, ये हमारा यू बराबर हो जाएगा पीई और सिंपल सा कास थीटा वन, कास थीटा वन का क्या है 90, तो हो जाएगा कास 90 माइनस ये हमारा कास टू थीटा, कास टू थीटा का मान हमारा क्या है 0 डिग्री, तो हो जाएगा कास हमारा सिंपल सा हो जाएगा सिंपल सा कास 0, क्या हो जाएगा कास 0, ठीक है। अब पता है आपको कास 90 जो मान होता है 0 होता है और कास 0 मान जो होता है 1 होता है, तो ये सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा यू बराबर, अब देखिए माइनस का 1 आ जाएगा, इससे कोई लेन देन नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा और कास 0 मान होता है माइनस का 1, तो माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई करा देंगे पी में माइनस 1 का, तो ये जाएगा माइनस का पी, ठीक है। ये कंडीशन होता है, ये हमारा क्या हो जाता है इस कंडीशन में, ये हमारा आएगा न्यूनतम में, क्या आएगा न्यूनतम में, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो हमने मान रखा उसी के हिसाब से, तो हमारा यू बराबर स्थितिज ऊर्जा जो आया माइनस का पी, मतलब न्यूनतम में आया, किसमें आया न्यूनतम में आया। अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज कीजिए कंडीशन नंबर थर्ड, किसकी बात कर लेता हूं कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है, अगर थीटा वन इज इक्वल टू 90 और थीटा टू इज इक्वल टू
हमारा 90 हो, मतलब थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90 हो, तो यहाँ पे हमारा मान रख देते हैं, तो सिंपल सा हमारा यू बराबर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पी इज इक्वल टू हमारा देखिए कास थीटा 1, तो कास थीटा 1 का मान क्या लिया 90, तो हो जाएगा कास थीटा और कास 90 माइनस कास 2 थीटा का मान क्या है, तो यहाँ पे कास 2 थीटा हमारा भी 90 हो जाएगा, कास 90 ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या है 90 है, तो ये हमारा u बराबर हो जाएगा। अब देखिए cos 90 मान और cos 90 मान जीरो होला, तो जीरो का मल्टीप्लाई ये में करा देंगे तो जीरो आ जाएगा, आई मीन स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जब थीटा 1 हमारा 90 डिग्री और थीटा 2 हमारा 90 डिग्री हो, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं हम, ये सपोज कीजिए तीसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर तीसरा, अगर मैं थीटा 1 इज इक्वल टू अगर मैं ले लू, थीटा 1 इज इक्वल टू अगर मैं 90 डिग्री ले लू, तथा थीटा 2 इज इक्वल टू, तथा थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लू, ठीक है, आई मीन 180 अंश ले लू, तो देखिए इसमें मान रख देता हूं, तो हमारा हो जाएगा u बराबर p इंटू e, क्या हो जाएगा PE, और हमारा देखो cos, देखो यहाँ पे सिंपल cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 का मान 90 है, तो हो जाएगा cos 90 माइनस का cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मान अब क्या है 180 अंश, तो हो जाएगा माइनस का 100, ये हमारा माइनस का हो जाएगा cos थीटा, cos 180 अंश, ठीक है। अब आपको पता है cos 180 अंश का मान होगा माइनस के 1, तो u बराबर हो जाएगा PE इज इक्वल टू कास 90 मान जीरो, तो जीरो हो गया, और ये हमारा होता माइनस का, तो जीरो को मतलब ही नहीं है, तो जीरो हटा दे रहा है ये माइनस का, और कास कास 180 अंश का जो मान होता है वो हमारा माइनस का 1 होता है, तो माइनस 1 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो सिंपल सा यू बराबर हो जाएगा हमारा पीई, प्लस का हो जाएगा यू बराबर हमारा पीई, और ये हमारा मान आएगा अधिकतम में, किसमें आएगा अधिकतम में। तो क्वेश्चन कर लेता है कि थीटा को मतलब अगर हम क्या ऐसे क्वेश्चन कर लेता है कि विद्युत ध्रुव को स्थिति ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब थीटा अधिकतम में हो या न्यूनतम में हो, तो अधिकतम के लिए ये लगाओगे, न्यूनतम के लिए आप ये लगाओगे, और जीरो के लिए आप ये रूल लगाओगे, ये कंडीशन लगाओगे, ठीक है। ये रही पूरी हमारी विद्युत ध्रुव का स्थिति ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव का स्थिति ऊर्जा, ठीक है। आज का ये टॉपिक खत्म रहा, तीन मैंने बताया, कल का भी मैंने बताया था, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रेकर्स, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, लव यू ऑल।